हाय गाइस, दिस इज आदित्य प्रकाश एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इंडक्शन प्रोग्राम इन बीआईटी सिंधी। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हो चुका है और 11th of September से स्टार्ट हुए। गाइस, आप लोगों का 8th of October तक आप लोग इंडक्शन प्रोग्राम सारा सेशन चलेगा। तो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस गाइस कि आप लोगों का 7th of October के बाद ही आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो। क्योंकि देखिए, आप लोगों का जो शेड्यूल है गाइस, इसमें आप लोगों मॉर्निंग सेशन भी दिया हुआ है और आप लोगों का इवनिंग सेशन भी दिया हुआ है। तो गाइस, इसमें बीच में आप लोगों को क्लास लेना पॉसिबल रहेगा नहीं, इसलिए आप लोगों का 7th October के बाद ही आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो सकता है। अगर आप लोग कुछ नोटिफिकेशन आता जिसमें आप लोगों को पहले से भी क्लास स्टार्ट हो, तो गाइस आप लोगों का जो सीनियर्स ग्रुप आप लोगों का बन गया होंगे, आई होप, तो उसमें आप लोगों का नोटिफिकेशन सारा चीज़ आप लोगों का सर्कुलेट हो जाएगा। और गाइस, हम अपना नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब चले गए आप लोग इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए, भैया बताइए इंडक्शन प्रोग्राम के ऊपर वीडियो बनाइए, इसमें थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सारा चीज़ बताइए। चलिए गाइस, आप लोगों का डिमांड के ऊपर हम लोग वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें सारा चीज़ आप लोग इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, क्या क्या यहाँ पे क्लब्स और सोसाइटीज़ है, कैसे आप लोग पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या आप लोग बेनिफिट्स मिलेगी अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो सारा चीज़ आप लोगों को डिस्कस कर देंगे। और हाँ गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, बहुत सारे लोग स्पॉट राउंड के बारे में पूछे थे, तो उस पर भी एक गुड न्यूज़ है गाइस, तो आप लोग उस पर वीडियो बनाया है, इसमें आप लोग थोड़ा सा बताएंगे उस पर स्पॉट राउंड के ऊपर, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग वीडियो के अंत देखते रहेगा, सारा चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं, आगे आप लोगों को बताते हैं। अब चलेगा आगे आप इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में, तो इंडक्शन प्रोग्राम आप लोग 11th of September से लेकर 7th of October तक चलेगा। इस बीच डिफरेंट आप लोग जितने भी प्रोफेसर है बीआईटी सिंधरी में, वो सब सारा चीज़ आएंगे, डूज वो करेंगे, प्लस आप लोग कॉलेज के बारे में बताएंगे, आप लोगों को कॉलेज के रूल्स एंड गाइडलाइंस आप लोग सारा चीज़ बताएंगे, जिससे आप लोग कॉलेज के बारे में जानने का मौका मिलेगा। प्लस बहुत सारे स्पीकर्स लोग आएंगे जो कि आप लोगों को मोटिवेशन देंगे, आगे आप लोगों का कैसे स्किल्स क्या क्या सीखना है, कैसे आगे आप लोग पढ़ाई करना, वो सब सारा चीज़ आप लोगों को बताएंगे, और कुछ मोटिवेशन टॉक्स होगा। ठीक है, इस इवेंट होने के बाद आप लोगों को जितने भी क्लब सोसाइटीज़ है बीआईटी सिंधरी में, ये सब का ओरिएंटेशन स्टार्ट होगा। ओरिएंटेशन इन द सेंस गाइस, जितने भी क्लब सोसाइटीज़ है वो सब सारे अपना अपने खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो जो डोमेन्स में काम करते हो सारा चीज़ बताएंगे आप लोगों को, क्या क्या इवेंट ऑर्गेनाइज करती है बीआईटी सिंधरी में, वो सब सारा चीज़ बताएंगे आप लोगों को, प्लस आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगी अगर आप उस क्लब को ज्वाइन करते हैं तो, और कैसे आप लोग पार्टिसिपेट करना, सारा चीज़ आप लोगों को बताएगी। अब देखिए, इसमें आप लोग बहुत सारे डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़ है बीआईटी सिंधरी में, और टोटल अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल आप लोग 25 क्लब बीआईटी सिंधरी में क्लब्स एंड सोसाइटीज़ है, इसमें आप लोगों का डिफरेंट क्लब्स है सोसाइटीज़ है। क्लब्स के बारे में बात करें तो क्लब्स आप लोग टोटल आप लोगों का टेक्निकल क्लब होती है, इसमें आप लोगों को सोशल क्लब होती है, कुछ कल्चरल क्लब होती है। टेक्निकल क्लब में देखा जाए तो सबसे बेस्ट क्लब आप लोगों का मॉडल क्लब, इसमें आप लोग मॉडल एग्जीबिशन होता है, साइंस जितने भी रिलेटेड है सारा टेक्निकल डोमेन इसमें इंक्लूड रहता है, जिसमें आप लोगों का AI एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, प्लस वेब डेवलपमेंट हो गया, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग हो गया, ये सारा चीज़ डोमेन इसमें वर्क करती है, और आप लोग इसमें ज्वाइन करें तो आप लोगों के साथ सारा चीज़ आप लोगों को सिखाया जाता है। फिर आगे हो गया आप लोगों का एजेंसी, जो कि आप लोगों कोडिंग क्लब है गाइस, जिसमें भी जितने भी टेक्निकल डोमेन बताया सारा चीज़ इसमें भी इंक्लूडेड है। उसके फिर आप लोगों का IST, IIT, फिर आप लोग ये सब सारे इवेंट आप लोगों का टेक्निकल क्लब है। आगे आप लोगों का कल्चरल क्लब बोला जाए तो कल्चरल क्लब में आप लोगों का हो गया आप लोग रोटरी क्लब हो गया, जो कि आप लोग सोशल क्लब भी है, जिसमें आप लोग सोशल सर्विस करने का मौका मिलेगा, प्रयास इंडिया हो गया, NSS हो गया, सो डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों का क्लब्स हो गए। अगर आप लोग देखे होंगे तो आर्ट्स क्लब देखेंगे, आर्ट्स क्लब को ओरिएंटेशन देखेंगे, आप लोग परफॉर्मेंस देखे होंगे, और आप लोग सिंगिंग डांसिंग ये सब में अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब चले गए आगे आप लोग सोसाइटीज़ के बारे में बताए, तो सोसाइटीज़ में देखिए बहुत सारे खुद के ब्रांच के सोसाइटीज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन का देखा तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सोसाइटी, उसी प्रकार आप लोगों को देखा जाए तो उसकी प्रकार आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, उसी प्रकार आप लोग फिर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, ये डिफरेंट डिफरेंट आप लोग खुद के क्लब ब्रांच के खुद के सोसाइटीज रहती है, तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें भी आप लोग क्लब सोसाइटी में दो टाइप के रहते हैं, एक होते हैं आप लोग ओपन क्लब, एक होते हैं आप लोगों को क्लोज क्लब। ओपन क्लब और क्लोज क्लब का क्या डिफरेंस है चलिए बताते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग एक क्लब में ज्वाइन कर जाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग दो क्लब में ज्वाइन करना है, तो फिर आप लोग इसमें आपको यही आप लोगों का गाइडलाइंस है गाइस कि आप लोग कोई एक क्लोज क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एक आप लोग ओपन क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं, दो क्लोज क्लब में आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये आप लोगों का रूल है गाइस, इसको आप लोग फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप लोग क्लोज क्लब को देखा है तो क्लोज जितने भी आप लोग टेक्निकल क्लब है सारे आप लोगों का जो भी आप लोग मॉडल क्लब है, जैसे IST, IIT, रोटेक्ट, जितने भी आप लोग क्लब बताएं ये सारा चीज़ आप लोग क्लोज क्लब है, इसको अगर आप लोग ज्वाइन कर दें तो फिर आप लोग कोई ओपन क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं, दो क्लोज क्लब में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ओपन क्लब में आप लोगों को प्रयास इंडिया हो गया, NSS हो गया, प्लस आप लोगों का फिर आप लोग जितने भी सोसाइटीज़ हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी, माइनिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट आप लोग सोसाइटीज़ जो हैं ये आप लोग खुद के आप लोगों का
ये आप लोगों का ओपन क्लब है। तो इस टाइप से आप लोगों को बता दिया ओपन क्लब एंड क्लोज क्लब में डिफरेंसेस सर्च हो गया। अब चले गए आगे आप लोगों को बताते हैं, बहुत सारे लोगों का माइंड में डाउट होगा कि क्या क्या बेनिफिट मेरे को मिलेगा अगर इसमें हम ज्वाइन करते हैं तो, और कैसे आगे आप लोग पढ़ाई को मैनेज करेंगे इसके साथ साथ। तो देखिए बेनिफिट बहुत सारा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखिए पढ़ाई के साथ साथ अभी आप लोग इंजीनियरिंग करने आ गए, आप लोग इंजीनियर बन गए। अब देखिए आप लोग पढ़ाई के साथ साथ आप लोग बहुत सारा अलग अलग स्किल्स भी सीखने आ गए, क्योंकि देखिए पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग 10 पॉइंटर हो जाते तो भी आप लोगों का जरूरी नहीं है कि आप लोग हायर स्पेशल में लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आप लोगों को अलग से पढ़ाई के साथ साथ आगे आप लोगों को अलग स्किल्स भी सीखना है। स्किल्स आप लोग कैसे सीखेंगे, आप लोग सब क्लब में ज्वाइन करके इनरोल करके भी आप लोग अपना स्किल्स को सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर जब तक आप लोग प्रेशर नहीं आता, जब तक आप लोग कुछ अलग से आप लोग सिखाया ना जाए तब तक आप लोग अपने खुद से तो सीखते नहीं है। बहुत सारे कमी स्टूडेंट ऐसे तो जो खुद से आप लोग सीख पाते हैं, इसलिए आप लोग बताया जैसे बहुत सारा आप लोग इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने अंदर। ठीक है आप लोग खुद के एक्सपीरियंस से बता, जैसे आप लोग सबसे पहले आप लोग इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा आपका पर्सनलिटी डेवलपमेंट होगा। पर्सनलिटी डेवलपमेंट में देखिए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ स्ट्रेंथ होगा कुछ वीकनेस होगा। वीकनेस इन द सेंस अगर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कम्युनिकेशन वीक रहता है, इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा सा इनकी वीक रहता है, अगर आप लोगों को स्टेज फियर होता है कुछ, आप लोग स्टेज में जाने में बोलने में थोड़ा डाउट दिक्कत होता है, तो ये सब आप लोग इंप्रूव होगा। अगर आप लोगों कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद आप लोग स्टेज पर जाकर अपना बोलते हैं, अपना बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लब के बारे में बताते हैं, उससे आप लोग थोड़ा एक्सपोजर मिलता है और स्टेज फियर आपका दूर होता है। तो अपना पर्सनलिटी डेवलपमेंट आप लोग इंक्रीज होगा, प्लस आप लोग टीम बिल्डिंग आप लोग इंक्रीज होगा। जब फिर आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो टीम में काम करेंगे, टीम में काम करने के बाद कैसे प्रेशर हैंडल किया जाता है, कैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, सर्च ये आप लोगों को सीखने को मिलेगा। बस आप लोग लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज होगा गाइस, बस हम लोग कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा, ये सारा चीज़ आप लोग डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों का एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी इंक्रीज, आप लोग इंटरेस्ट है तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, डिफरेंट वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, डिफरेंट बहुत सारे स्किल्स है गाइस, ये सब सारा चीज़ आप लोग सीख सकते हैं। तो सर डिफरेंट डिफरेंट आप लोग बेनिफिट देखने को मिलेगी। और कैसे आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं चलिए वो भी बता देते हैं। तो पार्टिसिपेशन के लिए जैसे आप लोग ओरिएंटेशन होगा तो कुछ आप लोग रजिस्ट्रेशन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक जो प्रोवाइड किया जाएगा उससे बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को उसमें आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोगों का ये होगा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आप लोग स्किल्स देखा जाएगा, आगे आप लोग कम्युनिकेशन देखा जाएगा। अगर आप लोग अच्छे रहते हो सब सारा चीज़ में तो फिर आप लोगों को उस क्लब में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आगे अपना एक्सपोजर कर सकते हैं, आगे अपना स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से सारा चीज़ आप लोगों को बता दिएगा कैसे आप लोग ज्वाइन करना है, क्या क्या आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, सारा चीज़ आप लोग क्लब सोसाइटी के बारे में बता दिए। अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक जो कॉलेज में प्रेजेंट नहीं है और इस सब का अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। अब देखिए अब होम सीखने से रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बन गए गाइस, अगर आप लोग कहीं जॉब भी करेंगे तो कहीं दूसरे स्टेट में जाके आप लोग जॉब करना पड़ेगा। होम सीखने से हटाइएगा तभी आगे आप लोग अपना अच्छा स्किल को इंक्रीज कर पाएंगे। इसलिए आप लोग हॉस्टल में आ जाइए और इस तरह चीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिए जिससे आगे आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। ऐसे सारा चीज़ आप लोग इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बता दिए। अब चलिए गाइस बहुत सारे लोगों का डाउट था स्पॉट राउंड के ऊपर, ठीक है तो स्पॉट राउंड के ऊपर चलिए बता देते हैं आप लोगों को। गुड न्यूज है गाइस, मेरे को स्टूडेंट एक न्यूज़ का कटिंग भेजे हैं जिससे आप वहाँ पे लिखा हुआ स्पॉट राउंड हो सकता है, चलिए गाइस वो आप लोगों को बताते हैं। देख सकते हैं ये आप लोग न्यूज़ कटिंग है जो कि मेरे को स्टूडेंट के द्वारा ही मिला है। मेरे को उस स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया बताइए न्यूज़ सही है कि नहीं है, स्पॉट राउंड होगा कि नहीं होगा। तो ये न्यूज़ सही है गाइस, धनबाद के न्यूज़ पेपर पर आया था, हम भी पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आप लोग न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग में सीटों पर स्पॉट एडमिशन। अब स्पॉट राउंड का अभी देखिए जेसीबी काउंसिलिंग की तरफ से कुछ ऐसा एग्जैक्ट नोटिस नहीं आया, लेकिन न्यूज़ अगर आया तो इसमें बात तो जरूर चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग स्पॉट राउंड हो जाए, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि स्पॉट राउंड होगा कि नहीं होगा। तो आप लोगों के गुड न्यूज़ है गाइस, देख सकते हैं राज्यभर में अगर टोटल देखा जाए तो टोटल 4187 सीट आप लोगों का यहाँ पे बचा हुआ है। तो चाहे जाए कि गाइस आप लोगों का स्पॉट राउंड हो जाए, मैं अगर जैसे भी कुछ भी नोटिफिकेशन आता है जैसे आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है स्पॉट राउंड के लिए, तो डायरेक्टली आप लोग वीडियो अपने चैनल के ऊपर डाल देंगे, तो कुछ भी आप लोगों को टेंशन लगा जरूरत नहीं है। बस आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को चैनल के ऊपर मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो सारा चीज़ आप लोगों को बता देंगे। बस वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस बहुत मोटिवेशन मिलता है। आगे आप लोगों के बहुत सारे वीडियो आने वाले स्कॉलरशिप के ऊपर, बीटेक के ऊपर, इंजीनियरिंग में क्या क्या आप लोगों को टेक्निकल स्किल्स सीखना हो सारा चीज़ आप लोग वीडियो लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आप लोगों के बहुत सारे वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।